हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लेन सूट की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। इस बार मैं आपको बताऊंगी प्लेन सूट की कटिंग कैसे करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। प्लेन सूट बनाने के लिए हमें टोटल 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। अब आप इसको फोल्ड कैसे करोगे, कन्नी की साइड से आप इसको फोल्ड करोगे। ध्यान रहे, कभी भी आपने कुछ भी बनाना हो आपने हमेशा कन्नी की साइड से ही फोल्ड करना है। तो ये मैंने कन्नी की साइड से फोल्ड किया है। बस ये ध्यान रहे कि आपकी साइड बंद एरिया होना चाहिए, देन जो अपोजिट आपका खुला होगा वो आपके सामने होगा जस्ट। अब हमें इसमें फुल लेंथ लेना है, जैसे फुल लेंथ मैंने आपको बताया था, फुल लेंथ में +2 करना है आपको। अब हम बताएंगे आपको एक्रॉस बैक। एक्रॉस बैक आपका है, एक्रॉस बैक का हाफ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो मेरा 7 है। और जो मैंने आपको गैपिंग बताई थी राउंड बर्स्ट एंड हिप की, तो हमारा 7-7 की गैपिंग होती है, तो मैंने बर्स्ट की लाइन 7, देन अब ये वेस्ट लाइन आएगी हमारी 7 की, एंड ये हिप की लाइन आएगी हमारी 7 पे, तो 21 पे हमारा हिप आया। अब हम बताएंगे आपको बर्स्ट का जो फॉर्मूला होता है, तो बर्स्ट का जो हमारा फॉर्मूला था वो था बर्स्ट का 4+2, तो बर्स्ट हमारी 34 थी, तो 34 का 8.5 देन 2 प्लस मार्जिन 10.5, एंड वेस्ट हमारी 30 थी, तो 30 का हम 7.5 लेंगे, 4 डिवाइड देन प्लस 2 इंच मार्जिन। सेम हिप का भी हम ऐसे ही करेंगे, हिप का 4, तो हिप हमारी 34 है +2, तो 8.5 के साथ 10.5। अब हम बॉटम पार्ट लेंगे, मैंने आपको बताया था पहले कि बॉटम पार्ट हमारा बिल्कुल हिप का फॉर्मूला ही होगा, तो हम सेम वही लेंगे ताकि हमारी स्लिट बिल्कुल सीधी जाए। अब हम स्केल से की हेल्प से हम अपने मार्क स्ट्रेट करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि इस शेपर से शेप कैसे लगाते हैं जिससे आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये मैंने आप शेपर की हेल्प से अपनी शेप दे रही हूँ, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। ये मेरी शेपर से शेप लग चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी शोल्डर कैसे गिराते हैं। हमारे शोल्डर जो गिरते हैं वो सिर्फ 1/2 इंच ही गिरते हैं, तो ये मैंने शोल्डर गिराए हैं अपने 1/2 इंच। अब मैं स्ट्रेट स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट करूंगी। या अब मैं आपको बताऊंगी आर्मोल जो हमारा शेप है, फ्रंट शेप हम कैसे देंगे। ये मैंने 1/2 इंच सिर्फ अंदर ही लिया है, तो आपको सिर्फ 1/2 इंच अंदर लेना है, देन अपने स्केल की हेल्प से इसको कर्व करना है। जैसा आपको दिख रहा है सेम आपको ऐसे ही कर्व करना है। तो ये मेरे मार्क लग चुके हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे हम। तो ये हमारी कटिंग हो रही है इसकी। ये ध्यान रहे जब आप कर्व पे कट कर रहे हो तो आपकी सीजर बीच में रुकनी नहीं चाहिए। तो गाइज़ ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब कटिंग के बाद अब हमें इसमें नोचेस लगाने हैं। नोचेस हम इसलिए लगाते हैं ताकि अगर हम जब स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो हमारे चौक के मार्क मिट जाते हैं, तो उसको सेव करने के लिए हमने यहाँ पे अपने नोचेस लगाते हैं, जिससे हमें बाद में फिटिंग देने में हेल्प मिलती है। अब आप बिल्कुल सूट के मिड पे भी नोचेस लगाओगे ताकि जब आप अपनी नेकलाइन कंप्लीट करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। सो गाइज ये थी हमारी प्लेन सूट की कटिंग। आई होप आपको कटिंग समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।